इसलिए करते हुए हैं, लेकिन हम सब आप सबको बहुत मिस कर रहे हैं। देखिए सब टीचर्स यहाँ पे हैं, लेकिन हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो आइए आप सब भी हमारे साथ दिवाली मनाइए। आज मैं आपको बताती हूँ हम दिवाली क्यों मनाते हैं। हम दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि रामचंद्र जी इस दिन वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे। हमने आपको रामलीला दिखाई थी ना, रामलीला में हमने क्या दिखाया था, रामचंद्र जी ने रावण को मारा था और रावण को मारने के बाद रामचंद्र जी सीता माता और लक्ष्मण के और हनुमान जी के साथ अयोध्या आए थे। तो आइए देखें हम अयोध्या जब वो आए, देखिए ये रामचंद्र जी अयोध्या आए और वहाँ सब तरफ ये अयोध्या है और सब तरफ दिए जलाए गए। देखिए उनके आने की खुशी में सब तरफ दिए जलाए गए। तो इसीलिए हम दीपावली मनाते हैं, रामचंद्र जी के आने की खुशी में अयोध्या में दिए जले। इसीलिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो बच्चों दिवाली पे हम क्या बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। अपने घर के बाहर और मंदिर के बाहर क्या बनाते हैं, रंगों से सुंदर सी रंगोली। और ये किसका त्योहार है, दीपों का। हर जगह झुमार होती है और क्या जलाते हैं, दिए और कैंडल्स। तो दिवाली पे क्या बनाएंगे, रंगोली बनाएंगे और दिए जलाएंगे। दिवाली पर हम रंगोली बनाते हैं, दिए तो जलाते हैं, पर हमें क्या नहीं करना है, हमें पटाखे नहीं जलाने हैं क्योंकि पटाखों से बहुत सारा पोल्यूशन होता है। वैसे ही इतना पोल्यूशन है, अगर हम पटाखे जलाएंगे तो और पोल्यूशन हो जाएगा और फिर हम सांस भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि एयर में बहुत सारे केमिकल्स हो जाएंगे, फिर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम दिवाली जो है वो दियों से जब बनाएं, पटाखों से नहीं मनाएंगे। अभी आपने दिवाली पूजा के बारे में सुना, अब मैं आपको बताऊंगी गोवर्धन पूजा के बारे में जो दिवाली के अगले दिन मनाते हैं। आपको पता है गोवर्धन पूजा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो वृंदावासी थे जहाँ पे किशन जी थे वहां पे क्या किया था, इंद्र देवता ने बहुत तेज की पानी बरसाया था जिसको हम वर्षा या रेन भी बोलते हैं, क्योंकि जो बारिश होती है वो किस कौन करता है, इंद्र देवता। तो एक बार इंद्र देवता ने इतनी जोर से बारिश करी, देखो सारे लोग जो वृंदावासी थे वो डर गए और वो कहने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। फिर पता है उनकी मदद किसने करी, कृष्ण जी ने। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी लिटिल फिंगर में, जो छोटी वाली फिंगर थी उसमें उसको उठा लिया और सारे वृंदावासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए जिससे कि वो बारिश से बच गए। तो ऐसे कृष्ण जी ने जो बारिश इंद्र देवता ने करी थी उससे वृंदावासी को बचाया और तब से सारे लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। दिवाली के अगले दिन हमने क्या किया, गोवर्धन पूजा की। और गोवर्धन पूजा के नेक्स्ट डे हम क्या बनाते हैं, भाई दूज। आपने थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन मनाया था ना, जब सभी बहनों ने अपने भाई की कलाई पे राखी बांधी थी, इसी प्रकार भाई दूज पे बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी आयु की मनोकामना करती हैं, जो कि हम दिवाली के दो दिन बाद मनाते हैं। और इस त्योहार को हम क्या कहते हैं, भाई दूज। ये भाई बहन के प्यार का त्योहार माना जाता है। So kids, this time say no to crackers. तो मैम ने आपको दियों के बारे में भी बता दिया और नो टू क्रैकर्स भी बोला। और क्या करना है, हमें दिवाली सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनानी है, हमें सोशल डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग भी तो सोशल डिस्टेंस में खड़े हैं। और क्या करना है, अब
अपने पड़ोसियों के घर नहीं जाना, दूर से ही सबको बोलना है हैप्पी दिवाली। और कैसे विश कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके अपने फ्रेंड्स को हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं, और मुझे भी बोलना हैप्पी दिवाली, वीडियो कॉल करना और मुझे हैप्पी दिवाली बोलना, और फॉलो करनी है रूल्स कोरोना के लिए, सोशल डिस्टेंसेस की द मास्क, यूज सैनिटाइजर। देखा मैम ने आपको बताया से नो टू क्रैकर्स, और सोनी मैम ने आपको बताया कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग व्हाइल सेलिब्रेटिंग दिवाली। पर एक और चीज का आप सब ध्यान रखेंगे, जैसे आपको निशा मैम ने बताया कि दिवाली क्या है, दीपों का त्योहार, तो इसमें हम दिया खरीदते हैं ना, पर इस बार आप सब मुझे प्रॉमिस करिए कि आप सब मिट्टी के ही दिए खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इससे किसी और को रोजगार मिलता है, किसी और को हेल्प मिलती है, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं ना, बी इंडियन बाय इंडियन, जो सच्चा इंडियन होगा वो इंडियन ही खरीदेगा। बट जब भी मम्मा ये दिए खरीदने मार्केट जाएगी, मम्मा को जरूर याद दिलाना कि वो अपना मास्क पहन के जाए और अपना सैनिटाइजर साथ में लेके जाए। ओके किड्स, सो किड्स, रेखा मैम ने और सोनी मैम ने आपको बताया कि बाहर जाते हुए मास्क पहनना है और कोरोना का भी ध्यान रखना है, तो मम्मा को कहना है बाहर से मिठाई नहीं लेनी है और घर पे ही मिठाई बनानी है। शाम को जब लॉर्ड गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो भोग लगाएंगे ना, तो मम्मा मिठाइयाँ बनाएंगी और घर पे ही मिठाई बनानी है, और आप सब ने मम्मा की हेल्प करनी है मिठाई बनाने में। अभी आपको सब मैम ने बताया ना, घर से बाहर नहीं जाना, से नो टू क्रैकर्स, घर पे ही आपको रहना है। अगर आपकी मम्मा मार्केट में जाएंगी दिए लेने के लिए तो क्या पहनेंगी, मास्क पहनेंगी, और घर आके आपको अच्छे से सैनिटाइज करना है और घर में ही बनाई हुई मिठाई को इस्तेमाल करना है। लेकिन हमें अपने घर से बाहर तो नहीं जाना, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, हमें उनकी मदद करनी है, हम उनके साथ मिलके दिवाली मना सकते हैं। लेकिन घर से बाहर नहीं जाना, हम ऑनलाइन ही उनको विश कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल में भी एक संस्था है गूंज, आप वहां पर भी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए अपने घर से थोड़ी सी डोनेशन दे सकते हैं। लेकिन ये भी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और चाहें तो स्कूल में भी आ सकता है, वो दान दे सकते हैं। आपको पता है हमारा स्कूल ज्ञान मंदिर पब्लिक स्कूल गूंज का एक सेंटर है। यहाँ पर जो सामान आप अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते, बहुत दिनों से घर में पड़ा हुआ है, वो आप स्कूल में आकर यहाँ पर सेंटर पर छोड़ सकते हो। इसी सामान को छोटे छोटे बच्चों को, जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। जैसे आपकी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, आप यूज नहीं करते लेकिन यहाँ पे दे दोगे, लंच बॉक्स हैं, वाटर बॉटल हैं, वो हम यहाँ से गूंज के लोग आते हैं, उन सामान को लेके जाते हैं, सैनिटाइज करते हैं और उन बच्चों के पास पहुंचाया जाता है जिनको उनकी हमसे ज्यादा जरूरत है। सो आपको जो भी सामान अपने घर में ऐसा लगता है कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो आप स्कूल में आकर गूंज के सेंटर में दे सकते हैं। चलो इस बार उम्मीद का दिया जलाएं, किसी और की दिवाली को रोशन बनाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।